प्रतिष्ठाता
किरणनाथ महापौर मानो आज श्री शरद पूर्णिमा के रास की प्रारंभ कर दी। मानो ये विनोद बिहारी ब्रह्मचर्य का नाम श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचर्य इसलिए श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाल जिसको जो नाम देते थे ऐसे नहीं जो आया और नाम दे दिया, क्योंकि जो नित्य सिद्ध परिकर होते हैं वे अपना भक्तों का उनका नित्य सिद्ध का जो परिचय को विषय को भी जानते हैं, क्योंकि वो नित्य सिद्ध परिकर है। इसलिए जब वे नाम करते करते हैं नाम के साथ साथ कभी उनका सिद्ध स्वरूप का आपको परिचय करते हैं। इसलिए श्रीला भक्ति सिद्धांत सब जो गोस्वामी प्रभुपाद उनका नाम ही उन्हें विनोद बिहारी ब्रह्मचर्य नाम रखा। विनोद मतलब जो राधा कृष्ण को लीला में जो विनोद मतलब जो आनंद प्रदान करने वाले, इसलिए मानो आज का भी रास में ये विनोद मंजर की कोई अभाव था, मानो रास का प्रारंभ में भी आज का दिन हुए उनको अपना विनोद बिहारी को रास के अभाव से उनको मानो उन्होंने बुला दिया है। इसलिए आज का जो तिरुभाव महामहोत्सव यहाँ पर तो एक तिरुभाव फिर दूसरे तरफ यहाँ महोत्सव प्रयोग शब्द प्रयोग करते हैं, फिर जो विरह है ये दुख का कारण होता है। इसलिए श्रीमान चैतन्य महाप्रभु रायरामानंद तो को प्रश्न जब किया जगत में विरह में सबसे बड़ा कौन क्या विरह है, दुख में सबसे बड़ा दुख क्या है, राय रामानंद कहते हैं कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नहीं रहता। जगत में सबसे बड़ा दुख जब कृष्ण भक्तों से हम बिछड़ जाते हैं, क्योंकि हम लोग को परमार्थ जगत में भक्ति जगत में अगर कोई मदद करे तो ये वैष्णव लोग हमें उत्साह प्रदान करते हैं। जब से वैष्णव लोग ये पृथ्वी छोड़ करके चले जाते हैं तो उसी समय ये पृथ्वी कृष्ण भक्ति भक्तों का विरह से ये पृथ्वी भी छुट्टी हो जाती है। और एक वैष्णव जगत में जन्म ग्रहण करने पर पुराण में बताया कुलम पवित्र जन की किताब था वसुंधरा वसती चंदना निर्जन ईश्वर के पितर के तेरे साम जैसा खुले वैष्णव राम है। एक वैष्णव अगर इस जगत में जन्म ग्रहण करता है तो पूर्ण धन्य हो जाता है, स्वर्ग में देवता लोग हाथ उठा करके नाचने लगते हैं, पूर्व पुरुष लोग पृथ्वी जी का चरण का स्पर्श पा करके अपना जीवन से विराट धन्य मानते हैं। जितना दूर तक उनको दृष्टि जाता है तो सारा स्थान पवित्र हो जाता है, वो हाथ उठा कर नृत्य करने पर स्वर्ग में देवता का कल्याण होता है। एक वैष्णव जगत में जन्म होने का इतना भाग्य है, लेकिन जब एक वैष्णव ये पृथ्वी छोड़ करके चले जाते हैं उस समय श्रीमान चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर कहते हैं हरिदास तुम इस पृथ्वी का शिरोमणि तुम्हारा बिना रत्न सुन्न है ना मेरे, तुम पृथ्वी का सिर भूषण था लेकिन तेरे विरह में ये पृथ्वी का रत्न सुन्न है ना मेरे, पृथ्वी रत्न सुन्न हो गया है। इसलिए हम लोगों के लिए साधारण साधना के लिए गुरुपाद पद्म का विरह भक्त लोगों का संग से बिछड़ना ये सबसे हमारा लिए दुखदायी है। एक तरफ प्रतिफल आएगा दूसरे तरफ में यहाँ पर विरह महोत्सव प्रयोग करते हैं, क्यों बोले कारण है यहाँ तो चले गए नित्य वर्तमान है, लेकिन उसी जगत के लिए जब एक मंजरी राधारानी का आदेश को प्राप्त करके इस जगत में आ करके सारा जगत को कृष्ण प्रेम के बाण की बंधन में जब संपूर्ण प्लावित करके अनंत जीवों को कृष्ण विमुख से निकाल करके कृष्ण भक्ति रूपी मंदाकिनी की धारा को डुबा करके जगत में कृष्ण प्रेम के बाण को बहा करके अनंत जीव को कृष्ण उन्मुख करके जब इस जगत से छोड़ करके अपना जीवन प्रवेश करते हैं वहाँ पर संपूर्ण राधा गोविंद जी पर महाप्रभु और सब के सब गोपियां हैं देखा उनके लिए स्वागत करते हैं। एक ही इतने सारे जीवों को कृष्ण
हर चीज में लगा के खाए, इसलिए वहां पर बहुत बड़ा महोत्सव हुआ करते हैं। इसलिए यहां पर महोत्सव मतलब यहां पर जाकर अपना दादा की सेवा को निर्भर हो गए। इसलिए यहां पर महोत्सव बताए करीब महापुरुष, ये ऐसे महापुरुष थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था पृथ्वी के आचरण नगरा पीड़ा सर्वत्र प्रचार का जीवन करना कर ये जो बाणी है महाप्रभु को भविष्यवाणी कर चंद्र की ये बाणी को महाप्रभु अपना परिवारों को द्वारा चंद्र जल में जैसे उन्होंने स्थापन किया है। लेकिन अगर ये बाणी अगर संपूर्ण रूप में मुक्त प्रग्रह प्रग्रह दृष्टि के द्वारा अगर लगाया जाए तो ये संपूर्ण कहां लाभ होता है। यदि संपूर्ण ये भक्ति सिद्धांत सार्वजनिक गोस्वामी प्रभुपाद रूप में लाभ होता है। ये राधारानी के नए मंजरी निकुंज लीला को उसमें निकुंज लीला में ही हुए राधारानी की सेवा कर रही थी। यहाँ पर राधारानी नए मंजरी को आदेश देते हैं बल्कि नए मंजरी जाओ जगत की कृष्ण विमुख होकर के वहां वहां भटक रहे थे। जाओ जीवों को उद्धार कर अथवा अंधेरा मत जाओ जैसे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु सपार सदस्य धाम सहा अवतरी जैसे संपूर्ण परिवारों को लेकर के ये धराशायी में आए उसी तरह श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद भी जगत में जब आए वो अकेला नहीं आए, संपूर्ण गोलोक वृंदावन से अपना परिवारों को लेकर के जगत में आए। इसलिए प्रभुपाद का जितने गर्व है ये कोई साधारण नहीं, सबके सब राधारानी जी जल थे और संपूर्ण प्रभुपाद परिकरों को लेकर आए थे। और ये परिकरों में इतने मुख्य परिकर है जो कि प्रभुपाद ने सर्वत्र जो महाप्रभु का वाणी की प्रचार और प्रसार किया है। जब प्रभुपाद से स्वयं ये महापुरुष का आज श्रवण कर रहे थे जब बोले सर्वदिन माता जी बोले प्रभुपाद को कल आपका जीवन में बड़े बड़े आसान है पृथ्वी में सर्वत्र प्रचार और प्रसार करोगे आपको कौन मदद करेगा, आपको पास तो कोई है नहीं। लेकिन प्रभुपाद ने बारंबार बोले कि ये तो है कि तुम्हारे जीवन की क्या ही है सचमुच से उन्होंने जो बात बोले थे वास्तव रूप में सही है। उनको लाल प्रभुपाद कराया है लेकिन उसको बाद में भी जैसे अगर उनको बोला जाए श्री चैतन्य मनोभीष्टम वास्तव प्रभुपाद मनोभीष्टम स्थापित जन्म भूतल। इसलिए प्रभुपाद का मंदिर है जिन्होंने इसलिए भूतल पर स्थापित किया कि स्वयं भक्ति प्रज्ञान कदा वचन प्रदा तीस प्रदा थी। इसलिए कि प्रभुपाद का मंदिर को हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने ही उन्होंने जगत में स्थापित किया है। कि उनकी मंदिर को कि किसने स्थापित किया है अगर बोला जाए श्री भक्ति प्रज्ञान मंदिर स्थापितम येन भूतले स्वयं नारायणं कदाचित् ददाति सुपदाति। अगर ये भाषा को बोला जाए तो अति सुखी हम उसी समय से ही प्रभुपाद ने इंगित किया था एक दिन ऐसे भक्ति प्रज्ञान गोस्वामी महाराज ने किए हैं कि उनको नित्य जीवन परिकर होने का ना उनको पता है। हाँ जब कोई अगर भिक्षा को भिक्षा परिचय किसी में फलेना परिचय है फल का द्वारा ही सबका परिचय मिलता है। इसलिए मानो भक्ति प्रज्ञा रूपी वो वृक्ष के जो फल रूप में वह फूल रूप में आए इसलिए ये बात को गौर वेदांत संबोधित कर रहे थे। इसलिए कभी भक्ति प्रज्ञा के सब को सुना महाराज बैठे हुए थे और हमारे इनका शिष्य वर्ग बैठे हुए थे किसी ने आ करके बोला कभी आपके पास में इतने सारे खेती पड़ी हुई खाली आप उसको क्यों नहीं लगाते ठाकुर को सेवा में लग गया। तो उन्होंने उसी समय मां के गीत को तो बताए थे कि ये ही पुष्प है मेरे लिए सबसे सब पुष्प है कर कि यहाँ पर जो पुष्प मिलेगी कहाँ पर उसको पुष्प मिलेगी थोड़ी दूर से उसको पुष्प मिलेगी आपको जो फूल मिलेगा कब तक मिलेगा एक दिन दो दिन तीन दिन उसके बाद अंदर छूट जाएगा। लेकिन ये सेवक की जो पुष्प है वो ऐसे जो पुष्प
पुष्पा जो किला है देखो एक एक पुष्प को कर जो विशेष कर तीन पुष्प की ले आज तीन पुष्प संपूर्ण जगत को मैंने मात कर दिया संपूर्ण जगत को उन्होंने अपना प्रभाव से संपूर्ण जगत को उन्होंने डुबा दिया है और उसी पुष्प में देखो हमारे महाराज कृष्ण के विशेष पुष्प है जिस पुष्प को केवल भारत में नहीं साधारण उसी देश में नहीं संपूर्ण पृथ्वी को अपना सौरभ अपना स्वभाव का द्वारा अपना पांचल रस के द्वारा संपूर्ण जगत को देखे इस आपलाप के लिया जिस पुष्प की खुशबू में आप लोग जैसे भ्रमर लो उसमें मादकता में मादकता को लाभ करके अभी आप इस वो पुष्प की चारित्र आप लोग बढ़ रहा है और वो पुष्प की सौगंध को आप लोग उसका सौभाग्यता उसका सुगंधता को आप लोग सब के सब ग्रहण कर रहे हो इसलिए मानव उसी समय प्रभुपाद ने ये बात इंगित के द्वारा मुझे बताए थे इसलिए हर आचार के बाद एक वैशिष्ट होता है इसलिए हमारे पुष्पी प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने भी कुछ वैशिष्ट बताते हैं इसलिए जो महाराज का पुनर जो सुना एक जो वैशिष्ट बताने का मैं कोशिश करूंगा कल जो श्री चैतन्य महाभिष्टम स्थापितम जन उदय कल श्रीमान महाप्रभु का जो मन अभिष्ट को जिन्होंने ये पृथ्वी पर स्थापित किया है इसलिए महाप्रभु का जो आदेश था जो चार आदेश था कल ये महापुरुष हम बताते छह गोस्वामी हम बताते हैं क्योंकि छह गोस्वामियों ने महाप्रभु का जो मन अभिष्ट को अपने जगत पर स्थापित किया है लेकिन सप्तम गोस्वामी हम कहते हैं ये भक्ति विनोद ठाकुर क्योंकि श्री भक्ति विनोद ठाकुर की महाप्रभु का मन अभिष्ट को उन्होंने जगत में स्थापना किया चार आदेश लेकिन ये महापुरुष का जीवन में अगर हम देखें ये भी कोई कम नहीं ये संपूर्ण महाप्रभु के जो आदेश को जो चार जो आदेश को उन्होंने परिपूर्ण रूप में इसी जगत में स्थापित किया है अगर इन्होंने भी अगर हम सप्तम गोस्वामी बोले तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं कोई ज्यादा बोलना नहीं है वास्तव रूप में उन्होंने चार वैशिष्ट को उन्होंने स्थापित किया है प्रथम जो आदेश था कर ये विग्रह को स्थापन करना कर ये महापुरुष ने कि एक एक रुमान पर तो उन्होंने स्थापन की है जो एक अद्भुत है और ये है इसलिए हर मंदिर में देखो जितने सारे विग्रह है कृष्ण को काले रूप में देखने को मिलता है लेकिन केवल की गौरी राम से मिलने की विग्रह केवल सफेद है और सब गौरी आदि की काले इसलिए किसी समय कोई हमारे प्रभुपाद का कोई शिष्य ने पूछे कि महाराज जी ये साधा सफेद विग्रह की स्थापना की है ये सफेद जो विग्रह तो छठ कम पैसा मिलता है पत्थर काला पत्थर का ज्यादा पैसा मिलता है मतलब वो ये कम पैसा मिलता है इसलिए आपने ये सादा विग्रह स्थापना कर दिया लेकिन नहीं कम पैसा के लिए नहीं कि जो विग्रह हम तो स्थापना कर रहे हैं हाँ जैसे भक्त लोग हाँ कर जिस दीप नेत्र को द्वारा हाँ कर भक्ति भाग के नेत्र को द्वारा चिन्मय नेत्र को द्वारा अपना हृदय में हृदय से सदा विलोक रहती लेकिन फिर विग्रह को स्थापित करते हैं विग्रह क्या है कि उनका जो हृदय के जो भास है जो विग्रह हृदय के जो विग्रह को वो दर्शन करते हैं प्रेम प्रेमात्मक भक्ति विलोचन को द्वारा उसी चीज को जो बाहर स्थापित करते हैं इसलिए उन्होंने इस हृदय के सफेद विग्रह को दर्शन किया इसलिए उन्होंने बाहर भक्ति प्रज्ञान के सब दोस्तों महाराज एक अष्टक उन्होंने लिखा है जिसका नाम विनोद विहारी तत्वाष्टक जो लोग पढ़े हैं उनको पता है क्या उसका अंदर में सिद्धांत है उसका अंदर में साधारण लोग उनको बोलते तो बहुत बड़े कठोर है लेकिन वास्तव रूप में वो श्लोक को पढ़ो और उसको श्लोक को पढ़ने से महाराज जी जो उसको पर जो कृति उसको जो व्याख्या क्या है अगर उसको हम पढ़ेंगे तो उनको एक एक श्लोक को अंदर में और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का विलास
स्वप्ना विलास अमृत से उन्होंने महाराज जी पूरा विधान देखे विधान बताए वहां पर के साथ किसी की मिल तलाब मिली के श्री कृष्ण राधा रानी की चिंता करते 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 संपूर्ण के अपना राधा रानी के अंदर की कांति को उन्होंने धारण किया है। इसलिए इस सफेद विग्रह का मतलब है हम लोग रूपान हुए जो रूपान हुआ वो हर समय राधा रानी का तरफ में झुके हुए हैं। इसको भक्तिमान ठाकुर ने कहा आमी तो राधिका भक्त पाते सदा कभु नाही हरी ताके। हाँ इसलिए हम राधा रानी का हम भक्त पाती है तो राधा रानी का भक्त पाती वो ये चाहते हैं हम राधा रानी कृष्ण की चिंता नहीं करें कृष्ण राधा रानी की चिंता करें। इसलिए हम लोग कृपा करते हैं और राधा चिंता करते करते कृष्ण यहाँ पर सफेद हो गए। इसलिए तीन विग्रह है एक ही रंग का अद्भुत दास्य रस्ते
सिद्धांत रस को दिखाया जिसमें श्लोक है जन्मा दर्शन जता। जब जन्मा दर्शन जता साधारण लोग समझते हैं जिनसे जगत का सृष्टि स्थिति और प्रलय होता है, साधारण लोग का धारणा है। लेकिन हमारे रसिक टीकाकार जो नहीं आद्य रस में जन्म जता जिनसे आदि रस भी प्रकट है, फिर आदि रस क्या है, फिर आदि रस ये सिद्धांत रस। इसलिए वेदांत मतलब होता है अर्थ एवं ब्रह्म सूत्र नाम ब्रह्म सूत्र का अर्थ सिद्धांत भाग होते हैं। इसलिए कहते वेदांत सूत्र में तद अध्यात्मिकतस्य तद अध्यात्मिकतस्य मतलब क्या, कहते वेदांत सूत्र है अन्यात मतलब जहां पर कृष्ण अनुकूल नाय बनते हैं, इतरतस्य मतलब जहां पर राधा रानी स्वागत करती का और अन्यात जहां पर राधा रानी मान करके रासलीला से चली जाती है श्याम सुंदर अन्यात मतलब की चर्चा। अगर आप Thank you.
And that great personality,
He was so bold and fearless in the service of his Gurudev. A very famous story that he risked his life to save the life of his Gurudev. He is known throughout all the Gaudiya Mathas for this great feat, which is practically impossible to do. How he, in the Navadvipa Parikrama, how he saved his Gurudev's life when they were attacked by so many Smartas and so many miscreants throwing glass and stones from the sky. And in all directions, everyone was chasing and running, trying to find shelter so they would not die. But Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj, Vinod Bihari Brahmachari, he immediately protected his Gurudev and took him into a private room nearby. And in that room, he told his Gurudev, I want to bring you to shelter, to safety in Sri Mayapur. But you cannot go dressed like sannyasi. They will find you. So I will take your dress and I will pose as you. And you take my white cloth. And in this way we can bring you safely to Sri Mayapur Dham. Srila Prabhupada at that time, he handed his sannyas beige to Sri Vinod Bihari Brahmachari and his danda. And in this way Srila Prabhupada actually gave him sannyas and endowed him with all of his mercy and blessings. And in this way, he saved the life of his beloved Gurudev. Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj, earlier in his life, he also received the blessings of the great Mahabhagavat, Param Mahabhagavat, Srila Gaura Kishoridas Babaji Maharaj. He was the Gurudev of Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. And he was living the life of a completely transcendental avadhut in Sri Navadvipa Dham. And toward the latter period of his life, he came and took up residence in one dharmashala. And in the dharmashala, he took up residence in a room where people passed stool. A very unclean place with very bad smell. And there he was doing his Harinam Bhajan. By that time, Srila Gaura Kishoridas Babaji Maharaj, he had become very famous as a great Mahabhagavat. And many people would come to him, and so many of them were trying to receive blessings, but their motivations were to get blessings for their material life or material enjoyment. Srila Babaji Maharaj was so disgusted by that, and he came and began doing his bhajan, locking the door of this latrine. So the local government officials, they began to understand that he was there. They approached, requesting him to open the door, telling him, oh, Babaji Maharaj, we want to build a kutir for you, that you can do your bhajan very nicely and peacefully. And Babaji Maharaj would simply answer, oh, I am very sick. I cannot come and open the door. I cannot come. So no one could gain entrance and get his holy darshan. But one time, Sri Vinod Bihari Brahmachari, he was sent there by his Guru Maharaj, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and he went along with his auntie and one other Vaishnava. And when they came there to the door, they also knocked on the door and requested Babaji Maharaj to give them entrance. Darshan. And he also told, oh, I am sick, I cannot come. But then they told him, oh Babaji Maharaj, our Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, he has sent us to have your holy darshan. Please be merciful to us. Then Srila Gaura Kishoridas Babaji Maharaj, he at that time, he opened up that door. And he brought them inside and locked the door. And they had the darshan of this Paramahabhagavat, who was completely absorbed in Navadvipa Dham, seeing the transcendental Chintamani Dham. And at that time, Srila Babaji Maharaj, he saw this beautiful Brahmachari before him, full of all good qualities. And he placed his lotus feet on his head and gave him blessings.
said, I am taking away all of the troubles and difficulties that you will encounter in your life. Now you boldly can preach this message of Chaitanya Mahaprabhu. And then they heard some Harikatha from Sri Babaji Maharaj, and after that they took his leave. So later on, when Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj became the great Acharya and had started the Gaudiya Vedanta Samiti, with starting so many mats and temples and reviving the preaching mission of Chaitanya Mahaprabhu, of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, with so much opposition, but yet he persevered. And he would always remember, once he was remembering and weeping, that, oh, Babaji Maharaj, he has given his mercy to me. And that is why, no matter how many obstacles came in the path of my preaching, I have been able to persevere by the blessings of Babaji Maharaj. So this great Vaishnava personality, who served untiringly Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, after his disappearance, everything ground to a halt. All the printing of all the shastras, all the preaching in Sankirtan, so many brahmacharis went back to their homes. Everything was practically stopped. And now, Sri Vinod Bihari Brahmachari, he took the mercy of his Gurudev, and with great Guru Nishtha, he began to preach the message of Chaitanya Mahaprabhu. He took sannyas from Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, and he began the Gaudiya Vedanta Samiti. At this Gaudiya Vedanta Samiti, there were three founders of that. One personality was also the great Acharya, who preached the message of Chaitanya Mahaprabhu all throughout the world. That is, His Divine Grace Nityananda Parivishna, Srila Nesi Bhaktivedanta Swami Maharaj. And that personality, he co-founded Gaudiya Vedanta Samiti with Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj. And one third personality, who was Bhaktivedanta Bhavana Maharaj. So that means that the relationship between Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj and our Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj was very, very intimate. And once I remember our Srila Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj, he was telling us, do you know why your Guru Maharaj took sannyas from my Gurudev? And then he explained to us, because they were so near and dear, intimate bosom friends. So I contemplated this and I began to understand. And I began to ponder, understanding the great qualities of Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj. How he was such a fearless preacher. No matter how much opposition would come, he would defeat that opposition, roaring like a lion. Same qualities were in my Gurudev, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. How he fearlessly went to the Western countries and faced all opposition from every direction, all impersonalism, Mayavadism, atheism, and all the bogus scientific philosophies of the modern day. How he challenged them, how he boldly crushed them in the same way Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj. Very fearlessly and boldly, he would challenge anyone. There's one incident where a communist leader in Bengal named Jyoti Babu. This person was at that time chief minister of Bengal, and he was atheist. And Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj, he was leading a Sankirtan party